कंसेप्ट ये होता है चेकआउट का कि जब हम फाइनल चीज़ हो रही होती है, हम इसे एक दफ़ा दोबारा दिखाते हैं कि भाई आपको ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं कि आप लेना चाहते हैं, वो कहता है या तो कंफर्म करता है ऑर्डर वगैरह या जो भी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नीचे उसका एड्रेस दिखा रहे होते हैं, कौन सा एड्रेस जो उसने यहाँ पे डाला होता है, ठीक है ना। चाहे तो उसे वेट कर सकता है, चाहे तो इसी के ऊपर वो चीज़ को डिलीवर करवा सकता है। समझ आ गई बात। तो हमने इस पेज को कॉपी किया शॉपिंग कार्ट डॉट पी एच पी और यहाँ पे आ गए चेकआउट शॉपिंग कार्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया चेकआउट का, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग पेज था उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास चेकआउट पेज आ गया, ठीक है। चेकआउट पे हम क्या करेंगे, जब कोई चेकआउट पे क्लिक करेगा तो क्या करेंगे, ये बटन वगैरह ये रिमूव वगैरह सब कुछ चीज़ें को हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना। जब हम हटा देंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आए उसकी हमारे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंक्लूड वगैरह कैप्शन वगैरह ये सब हमने एज इट इज रखना है, क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करें फ्रॉम, ये सब वही वाला मामला है जो हम आपके प्रीवियस क्लासेस में करवा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या, कलर वगैरह साइज वगैरह जो आप छोड़ते हो छोड़ दो। और इसमें हमारे पास आज भी रिमूव का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा ये कर लेते तो आपको समझ आ रही होगी। हम यहाँ पे खड़े हुए चेकआउट डॉट पेज पे, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये चीज़ों का मैंने हटाना है, इन बटनों का हमने हटाना है। और यहाँ पे एक पिक्चर को हमने हटाएंगे तो ये रास्ता श्रिंक हो जाएगा, ठीक हो गया। पता लगे अभी हमारे पास कितने पैसों की कितने सारा मामला एज इट इज़ रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखे लिखा प्रोडक्ट और यहाँ पे लिखा है इमेज, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास क्या लिखा है प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, उस वजह से आपको ये बड़ा लग रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फाइल सेव, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश, क्लियर हो गया। अब ये क्वांटिटी की यहाँ पे तो कोई दुख नहीं बनती है, ऑटोमेटिक या तो ऑलरेडी वहाँ से करके जरा आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी हटा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम जो क्या कहेंगे, इनपुट टाइप क्या है, नेम वगैरह जो भी, ठीक है। आप सिंपल यू करो कि यहाँ पे आके कॉपी और यहाँ पे आके इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल एक नंबर लिखा होगा आपको नजर आएगा, ठीक हो गया। मतलब ये है कि अब आप क्या करने जा रहे हो, आप डेट वगैरह सब कुछ कर लिया चेकआउट, अब आपको आखिरी दफ़ा दिखा रहे हैं वो आप ही चीज़ मंगवाते हो। ये वाली चीज़ें भी हटानी है हमने, ठीक है। तो हम जाएंगे सबसे पहले ऊपर डिलीट के, ये वाली जगह है, ठीक है ना, डिलीट वाली। उसके बाद जो आपको नीचे आइकन नज़र आ रहा है वो हमारे पास कौन सी जगह है, ये रहा एक्शन, ठीक है। ये हमने यहाँ से हटा दिया, ये हमारे पास ये आ रहा है, ठीक हो गया। चाहो तो इसको आप बड़ा कर दो, कॉल स्पेन वगैरह देखें, ठीक है। तो ये आपके साथ कैसे आ जाएगा, या चाहो तो इसको आप इधर भी कर सकते हो। जो मेरा काम है आगे वो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको एड्रेस को यहाँ पे ये एड्रेस यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में शो करना है कि ये चाहे तो इसे वो कर सके, अपडेट वगैरह कर सके, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एड्रेस में, हमें एक दे दिया, काम करते हैं। ये अजीब सा लग रहा है, इसको हमने इसको हटा देते हैं। यहाँ से हटाया था, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं होगा, वरना अगर आप चाहो तो कॉलम स्पेन रो स्पेसिंग वगैरह दे के आप ये सेट कर सकते हो, या इसको उठा के यहाँ मिला सकते हो, ठीक है। तो उसमें डिज़ाइन आए। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट अपडेट की ज़रूरत है यहाँ पे, वो तो करके आए हो ना। तो यहाँ से मैं इसको अपडेट के बटन को रिमूव कर दूँगी, यहाँ से मैं इस अपडेट बटन को रिमूव, ठीक हो गया। अगर कोई क्लिक करे तो कहाँ जाएगा, ये वापस बैक टू शॉपिंग या बैक टू शॉपिंग कार्ट, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके बैक कंटिन्यू टू शॉपिंग कार्ट, ठीक है। अगर कोई क्लिक करे तो कहाँ जाएगा, ये नहीं शॉपिंग कार्ट, ठीक है ना। समझ आ रही बात। तो वापस मुझसे गलती होगी, मैं कहता हूँ यार ये दो नहीं महंगे पड़े, वापस जाना चाहते मैं वापस आ सकता हूँ,
करते हैं। ठीक है, फाइल सेव रिफ्रेश, ठीक है, सबमिट किया, मैं यहाँ पे आ गया। गलती हो गई मेरी, मुझे दो नहीं मुझे एक चाहिए, वापस आ गया, इसको मैंने एक कर दिया और यहाँ पे आके अपडेट कर दिया। अब मैं चेकआउट पे जा सकता हूँ, समझ आ गई, इसलिए मैंने ये बटन छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कन्फर्म आर्डर यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे आके, अच्छा लॉग इन था तो अंदर आया है ना बंदा, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे इस एक को छोड़ देंगे, ठीक है, और ये वो जगह, ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, ठीक जा रहे हैं, समझ आ रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे हम लोग उसका एड्रेस दिखाएंगे कि भाई आपका शिपिंग एड्रेस ये है, अगर चाहो तो अपडेट कर लो या ना चाहो तो एडिटेड जाने दो, ठीक है। तो ये हमें इसे ऊपर काम करना है, तो ये जो हमारे पास जगह है वो हमारे पास पूरी जगह होगी, ठीक है ना, यहाँ पे आए ये क्लास, ठीक है, एड्रेस बाहर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, हमें लिखना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और क्या है नेम, यूज़र अंडरस्कोर एड्रेस कर देते हैं, कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे वो एड्रेस चाहिए जो यूज़र का है अपना, ठीक है, चल देखते हैं मुझे कैसे नज़र आता है, ये नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, हो गया ना, या फिर एड्रेस देख लेगा, चाहे तो चेंज कर, चाहे तो ऐसे एड्रेस छोड़ देगा, लेकिन जो यहाँ पे एड्रेस है मुझे वो यहाँ पे शो करना है, ठीक है। इसके लिए पहली बात तो ये मैं यहाँ पे आके वो कर देता हूँ, क्लास क्या है फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है, अगर आपने दूसरे तरीके से पढ़ा हो तो ये आपको ये आना चाहिए, ठीक है, चाहो कैसे वो भी करना, ठीक है, उसको हम दे देंगे क्या स्टाइल हाइट क्या है 100, ठीक जा रहे हैं, फाइल सेव, ये आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, ये उठाना है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो हमने ये सेशन में डाला हुआ डेटा कि भाई कौन सा यूजर इस वक्त लॉग इन हुआ है हमारे पास, ठीक है, और वो हम कहाँ से उठा सकते हैं, लॉग इन से भी उठा सकते हैं, और अभी मैंने यहाँ से वो हटाया भी था कोड अगर आपने फ्रैम किया, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं यूज़र MGM की फाइल से देखते हैं कि हमारे पास यूज़र का सेशन किस नाम से बन रहा है, हमने सेशन की आईडी डाली थी ना, कौन बंदा अभी इस पर लॉग इन हुआ है, ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट से पकड़ सकते हैं कि ये बंदा हमारे पास कौन आया हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये लॉग इन का कोड है और ये हमारे पास की आईडी आ रही है, ठीक हो गया। तो हमने कॉपी किया और हम यहाँ पर आ गए अपनी इस वाले पेज में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये गेट कर सकता हूँ ना, जब मेरे पास आईडी आ जाए तो मैं कर सकता हूँ उसका काम, ठीक है, कि उसकी एड्रेस क्या है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने कहा था एडिट वाला काम किया हमने, एडिट वाला एडमिन में जाके एडिट प्रोडक्ट पे किया होगा ना, एडिट कैटेगरी, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोड नहीं करूँ, कम से कम मैं उठाऊँगा डालूंगा, ठीक है। अगर आपको ये कोड रेडीमेड से मसला हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें सारे कंसेप्ट वगैरह उसमें क्लियर किया हुआ, ठीक है। जब मैं यहाँ से इसका पिक कर सकता हूँ, ठीक है, कॉपी और यहाँ पर आ गया, ये आ गया, और यूज़र की आईडी कहाँ से लेके आऊँगा, यूज़र MGM से सेशन वाले उठाऊँगा, ठीक है। तो वो हमारे पास अपडेट भी कर देते हैं कॉपी, ये हमारे पास चेकआउट पे वापस आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पे डॉलर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ये, क्लियर हो गया, यूज़र आईडी इज इक्वल टू सेलेक्ट करें फ्रॉम कहाँ से, यूज़र्स, यही है ना, सेलेक्ट करें फ्रॉम यूज़र्स वी आर आईडी इक्वल टू ये वाली, और ये कौन सी क्यूरी है, यूज़र की है, तो हमने यहाँ पे यूज़र लिखना है सेलेक्ट क्यूरी, तो इसको मैं चेंज से करता हूँ जो आपको वो मसला आना है, ठीक है, फ्रॉम सिलेक्ट क्यूरी फॉर यूज़र, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, फिर फेच क्या चीज़, यूज़र इन्फो, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी और ये कैटेगरी नेम नहीं चाहिए मुझे, इसका यूज़र एड्रेस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यूज़र का ये वाला
तो ये मुझे इसका एड्रेस दे दीजिएगा। देखते हैं क्या क्या हमारे पास कोई एड्रेस आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कोई एड्रेस आता है या नहीं। आ रहा है एड्रेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए ना हमें। ये कहाँ चाहिए हमें? यहाँ चाहिए, ये यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आ गया, गेट कर लिया हमने यहाँ पे इसको कॉपी, बस हमने यहाँ से हटा दिया। और शो कहाँ करेंगे? यहाँ पे समझ आती है, समझ आती है। 10 दफ़ा ये काम करवा चुके हैं। और चाहो तो इसको बदल लो, अगर चाहो तो बस एडिट रह जाएगा। ठीक हो गया, इससे ऊपर मैं आके एक कैप्शन दे रहा हूँ, उसे भी कहते हैं लेबलिंग, लेबल क्लोज। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है? जब ये ऑर्डर अपने कंफर्म करें तो इसका डेटा हमारे पास कहाँ जाएगा? डेटाबेस में। लेकिन किस टेबल में जाएगा? यूजर। क्या हो गया है? ऑर्डर आ रहा है आपको, तो आप ऑर्डर में डालोगे या यूजर में डालोगे? ऑर्डर के लिए। हाँ ठीक है, क्या करोगे? अलग से ऑर्डर का टेबल बनाओगे। जैसे आपने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया, कैटेगरीज के लिए बनाया, यूजर्स के लिए बनाया, इस तरह आप क्या करोगे? उसका टेबल बनाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, उस मैंने आपको समझाया था थ्योरेटिकल बातें, वो क्या थी? पेज के ऊपर के वापस क्या होता है? कस्टमर ऑर्डर का टेबल, जिसमें पास ये फील्डें होती हैं, यूज़र आईडी, अमाउंट वगैरह, टोटल क्वान्टिटी, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम टेबल में। फिर इसका डिटेल का टेबल होता है, ऑर्डर डिटेल, क्योंकि हम एक ऑर्डर यहाँ पर एक टेबल में मैनेज नहीं कर सकते, हमें दो की जरूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे, इसलिए एक और टेबल बनाएंगे, यूज़र की आईडी, ऑर्डर की आईडी, डी मतलब अगर यहाँ पे ऑर्डर वन आया, देखो 1 1 1 2 2 2 इस तरह चलता रहेगा। ठीक हो गया, हम इन टेबल्स को यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारा टाइम बच जाएगा। और अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियोज़ को पास करके भी वो टेबल की फील्ड वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम था हमारे पास? कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे लाके मैं इसे रिपोर्ट कर। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरा टेबल क्या नाम था? ऑर्डर डिटेल। ठीक है, ऑर्डर डिटेल फाइल से और ये दो हो गया। ठीक है, तो क्विकली हमारे पास कस्टमर ऑर्डर का टेबल बन गया और दूसरा हमारे पास ऑर्डर डिटेल का टेबल बन गया। इसको हम लोग एम्प्टी कर लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रीवियस रिकॉर्ड हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक, इसी तरह हमारे पास कस्टमर ऑर्डर को भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं, ट्रिंकेट कर लेते हैं कि आई डी हमारी 1 से शुरू हो जाए। ठीक है, देखो ना ये 4 से शुरू हो रही थी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी टोटल अमाउंट क्योंकि ये है। ठीक है, टोटल क्वान्टिटी, ठीक है, बिग क्यू में आ रही होगी। ठीक है, हमारे पास जो पीछे वेरिएबल था और ये हो गया। ठीक हो गया, और ये हमें किसने भेजा है ऑर्डर, उसको भी हमने ट्रैक करना होगा। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, अपनी फाइल खोल लेते हैं, चेकआउट, ये मेरा पेज है। ठीक है ना, हम लोग यहीं पे करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एड्रेस लगाया था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कोई फॉर्म तो नहीं है हमारे पास? हाँ जी, फॉर्म है हमारे। ठीक है, और फॉर्म हमारे पास कहाँ जा रहा है? ठीक है, जब आप एक ऑर्डर करें तो आपको कहाँ एक मैसेज आता है, एक्शन थैंक यू क्लियर हो गया। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, जो भी इसका मैसेज पोस्ट, और ये यूज किया करो, जरूरत हो या ना हो, लेकिन बस कर लिया करो, अच्छा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब ये बटन सबमिट होगा तो हमारा डेटा कहाँ जाएगा, थैंक यू डॉट डी एच ओ में। ठीक, तो किस बटन के सबमिशन से जाएगा हमारे पास? कौन सा वाले पे? ऑर्डर कंफर्म पे, ये बात याद आई? ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म का पेज बनाएंगे, लेकिन इसकी टाइप क्या होगी? टाइप सबमिट होगी। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप
ठीक है, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद नेम सबमिट ETL और वैल्यू दिया हो गया, ठीक जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ETL ETL डैश प्राइमरी ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमने फॉर्म को सबमिट कराना है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप कलर वलर लगा के उसको सेट कर सकते हो। फुल फुल राइट, ठीक है। ये कौन सा साइड है? राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट फाइव। फिर बड़ा करो छोटा करो आप कर सकते हो हमारे में, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबमिट। देखो मेरे कराने का क्या करें, थैंक यू डॉट पी एच पी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने एक पेज बनाना है जिसके का नाम होगा क्या, थैंक यू डॉट पी एच पी, ठीक है। तो वो अबाउट का पेज आप ले रहे हो या यही पेज ले रहे हो, आपकी मर्जी हो, ठीक है। कौन सा पेज चल रहा है? चेकआउट, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे चेकआउट और यहाँ पे आ गए, क्या नाम देंगे, थैंक यू डॉट पी एच पी, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हमारे पास पेज खुल गया। अब हमने यहाँ पे आपको बताया जैसे कि अब इसकी जरूरत तो नहीं है ना इस सब बातों की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्लाइंट को क्या कह रहे हैं, आपका काम हो गया और थैंक यू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, देखो मुझे कैसा नज़र आता है। फाइल सेव सबमिट, बहुत ही अजीब आ रहा है, काम कर लेते हैं उसको, वापस चेक कर लेते हैं। कंटेंट लेआउट वगैरह शॉपिंग कार्ड उड़ा देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना कि अब तो जस्ट हम लोग वो उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपका जो है काम वो हो गया है, ठीक है ना। तो एड्रेस वगैरह जोड़ा दिया, ये हमारे पास देख रही होंगे, ठीक है। और इसको भी ठीक है, हमारे पास भी कैसे फाइल सेव रिफ्रेश, ठीक हो गया, कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जी इसकी जगह थैंक यू तेज बोला करो कि आपकी वॉइस स्पीकर हो गया। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना है, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी जो भी आप जैसे कितना चाहते हो क्या नाम है, ठीक हो गया। बाकी आप जो किसी लिखो आपकी अपनी मन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब ये यहाँ थैंक यू पे आएगा ना, इसके दरमियान और इसके दरमियान, ठीक है ना, हमने क्या करना है, इन दो टेबल के अंदर डेटा सेंड करना है। समझ आ गई बात? अच्छा, हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट, ठीक है ना। टोटल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस एड्रेस चेक आउट पे जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चेकआउट हो रहा है, टोटल अमाउंट हमारे पास कहाँ आ रही है, ये वाली है, ठीक है ना। फिर मैंने कॉपी किया और चला गया, क्योंकि मैं फॉर्म के अंदर ही खड़ा हूँ ना, फॉर्म तो ये क्लोज ऑर्डर से यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आए और टाइप क्या है, हेडर नेम क्या है, टोटल अमाउंट, ठीक है, वैल्यू जो मैंने वेरिएबल वहाँ से पेश किया, ठीक हो गया। हमारे पास ये चली गई। नेक्स्ट क्या हमने इसमें सेंड करना है, और टोटल जी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी हमारे पास कहाँ आ रही है, जी आ रही है कि नहीं आ रही, क्यू ए क्यू आ रहा है ना। तो और भी देखो तुम्हें और कोई है, ठीक है, ये कहीं पी यूज हुआ, इसमें वैल्यू आ रही या नहीं आ रही, जो ना फिर जीरो, देखो ये कहीं भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब इस क्यू को हमें जमा करना है, इस वाले क्यू को, ठीक हो गया। अगर आप देखो तो हम लोग क्वांटिटी कहाँ शो कर रहे हैं, डिज़ाइन के अंदर ये शो कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोड करना।
हो गया, ठीक है, गला लगा दिया, ठीक है, उसके बाद क्या लगाते हैं, प्लस ये हो गया और डॉलर क्यू, ठीक है ना। एक आएगा इसमें जमा हो जाएगा, दो आएगा एक प्लस टू हो जाएगा, तीन आएगा और फिर जमा होता रहेगा। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। देखो ये प्लस और इक्वल टू, सॉरी अपन डन करो, ठीक है, याद नहीं नजर आ रहा है आपको। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, बिग क्वान्टिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर भेज सकते हैं टोटल क्वान्टिटी, अब समझ आ रही है ना, ये हमारे पास टोटल क्वालिटी भी चली गई, क्लियर हो गया। यूजर की आईडी कैसे उठाएंगे, सेशन से उठाएंगे, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी भेज सकते हो और चाहो तो थैंक यू के पेज पर हम लोग सेशन से आईडी ले सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस कस्टमर के टेबल में यूजर आईडी आ जाएगी, अमाउंट आ गई, टोटल क्वान्टिटी आ गई, और क्या आएगा, छोड़ दो पेयर स्टेटस, पेयर। ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पेपाल वाले के साथ काम करते हो ना, तो वहाँ से ये चीज़ें रिटर्न होती है। हमारे आज और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी चल रहा होता है, ये वहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है। बाकी क्या होता है, शिपिंग, और ये क्या लिखा है, डिलीवरी एड्रेस। हमें क्या चाहिए, अब डिलीवरी एड्रेस चाहिए, समझ आ गई बात, बाकी होती है, ठीक है। डिलीवरी नेम वही नेम है, अगर आपकी आई डी आ जाएगी तो आप नाम उठा सकते हो उसका। काफ़ी कर लिया, और हमारे पास एड्रेस किस में आ रहा है, याद आया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चारों चीज़ें रिसीव हो रही, क्लियर हो गया। अब मैं जाऊँ कहाँ पे, थैंक यू के पेज पे, तो वहाँ पे मैं पहले इस एक टेबल के अंदर डेटा ऐड कर दूँ, ठीक। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सब कोर्स समझाया था, वो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है ना, कि हमारा टाइम बचो है कि किसी एक क्लास में चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बटन सबमिट होगा, क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, कार्ड का टोटल भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अभी फिर दोबारा से वहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये हमारे पास, ठीक हो गया, हम लोग अपने थैंक यू पेज पे आ गए, और यहाँ पे आके इसको, ठीक है, अब इसको अपने लिए सेट कर लेंगे। इसकी मसला है, अच्छा यहाँ पे क्या आई, टोटल क्वांटिटी हमने क्या नाम दिया था उसको, टोटल क्वांटिटी, अगर आपको याद है, ठीक है। अब वेरिएबल स्टेप बाई स्टेप सारे यहाँ पे ले आएंगे, सबमिट बटन नाम है, ठीक है, बटन का नाम क्या था, सबमिट बटन, वो भी ठीक है, ठीक है। टोटल अमाउंट, ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट टोटल कार्ड टोटल, ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी लेके आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद क्या आएगा, शिपिंग का एड्रेस, अब समझ आ रही है ना। तो ये दो चीज़ें उनका सब लोग उसका एड्रेस पिक कर लेंगे, हम डिलीवरी एड्रेस सही जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एड्रेस आ गया, इंसर्टेड टू कस्टमर ऑर्डर, कनेक्शन ऊपर कनेक्ट हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट यूज़र आईडी, वो आपको पता है कहाँ से, सेशन तो उठा रहे हैं, हमारे सेशन का क्या नाम है, हमारे सेशन का क्या नाम है, जीनियस का, यहाँ पे यूजर एफ जी एम में होगा, ठीक है, इसका कोड, ठीक है, लॉगिन तो फॉर्म है ना, यहाँ पे ये रहा, ये लिखा हुआ, ठीक है। और क्या है, यूजर आई डी डायरेक्ट, ठीक है, ये आपके पास ये आ गया, याद आया, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है हमारे पास, यूजर की आई डी, ये हमारे पास यूज़र आई डी आ गई। डिलीवरी नेम पियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है, डालो तो डालो, नहीं डालते तो कोई मसला नहीं, ठीक है, क्लियर। अमाउंट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास किस में आ रही है, अमाउंट, अमाउंट आ गई। फिर क्या है, डिलीवरी एड्रेस, याद आया, डिलीवरी एड्रेस आ गया। टोटल क्वालिटी हमने इसमें डाली है, टोटल क्वालिटी यहाँ पर आ गई।
पेयर स्टेटस मतलब ये बैक होता है, ये वहाँ से रिटर्न होता है, तो आपको जो है ना चाहो तो कंप्लीट डाल दो कि हाँ भैया इसलिए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्यूरी है कि ये चल जाएगी, ठीक है। हम लोग किसमें काम कर रहे हैं, माई एस क्यू एल आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, बोलो वो अमाउंट है ना, हमने नया डाला तो उधर से वो नहीं लिखेंगे टोटल अमाउंट, ये आया ना हम तो ये चीज़ यहाँ लिखे, ये वाला तो फार्म वाला नाम है। सही सही सही, ठीक है। यहाँ पे अगर में नहीं, मैं देख रही थी ना, मैंने कहा इसका वाला वो देखो सेम था, ये तो टोटल अमाउंट ये यहाँ पे आएगा, फिर हमने जिसमें से सेव किया है, ठीक है, वो हमारी मर्जी, हम जिसके में इसको सेव करके रख लेते हैं, हमने इसका डाल, ठीक हो गया। अच्छा हम बात करें माई एस क्यू एल आई की, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डॉलर लिंक, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉलर लिंक लिखेंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ यहाँ आ गई, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक हो गया। इसमें ये लिखते हैं, ये जब आप इसे करते हैं इसमें आता है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम ये कर रहे हैं, चलो ठीक है, चलने जाने देते हैं, वही वाला लूप उठा लिया, ठीक है, कार्ड भी चले गया, प्रोडक्ट आईडी वगैरह उठा ली, क्वालिटी उठा ली, सिलेक्ट टाइप फ्रॉम प्रोडक्ट्स, हमारे टेबल का क्या नाम है, प्रोडक्ट्स ही है ना, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इसलिए होता है कि इसकी प्राइस वगैरह सब उठा के लेके आए, ठीक है। ये प्राइस कि यहाँ पे हमारे पास की प्रोडक्ट की प्राइस, यहाँ पे क्या नाम दिया है, प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट प्राइस, ठीक हो गया। फिर क्या कहते हैं, ऑर्डर डिटेल में जाएगा, यूज़र आईडी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मेरी क्या चीज़ है, ये कहाँ से लेके आएंगे, ये तो हमारे यूजर आईडी वाले वो वाली लिखेंगे, कौन सी वाली, यहाँ पे क्या लिखूँ ये बताओ, जो यूजर आईडी वाले हैं, अभी यहाँ पे क्या लिखूँ ये बताओ, वो उसको छोड़ो, जी यूजर की आईडी, यूएस यूजर की आईडी, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले क्यों बोलते हैं, ठीक हो गया। ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ सेट हो गया, ठीक हो गया। ये हमने क्यों किया, क्वालिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट की प्राइस, समझ आती है ना, ये दो होंगी तो दो की प्राइस जाएगी, चार होंगी तो चार की प्राइस जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आई आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर, ठीक है। बैठे हो तो एक्टिव रहा करो, फाइल सेव, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे ये क्या करता है, सेशन कार्ड चल रहा है बस, वो अनसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आए, फाइल सेव, रिफ्रेश, ठीक है। मैंने यहाँ पे 123 लगा दिया कि देखते हैं डेटा सही जाता है कि नहीं, ठीक है। सबमिट कर दिया, क्या कहता है, थैंक यू सबमिशन, ठीक है। तो क्या यहाँ डेटा आया होगा, आया होगा, यस डेस्क को मैंने कही जी, आया नहीं, आया यहाँ पे आया होगा जी, आया, ये मेरे वाले नहीं है, ये हमारे ये वाले, ठीक है, ठीक हो गया। ताकि है आया डेटा, आया जी, ठीक है। ये हमारे वाले क्या है, ऑर्डर आ गया डेटा। अब देखो इसमें गलतियाँ क्या क्या है, टोटल प्राइस तो जीरो नहीं हो सकती ना, क्वांटिटी भी वन है, ठीक आया है, प्राइस हमारे पास जीरो आ रही है, ठीक है। और दूसरे टेबल में देख रहे हमारे पास क्या मिस्टेक आई है, कस्टमर ऑर्डर, यूज़र आईडी आई है, अमाउंट आई है, क्वांटिटी आई है, नहीं आई, बाकी चीज़ों से ये देखो ये सही आया है, समझ आ रही ना। अब हम इसको अपने ये सेट कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट में क्या मसला है, अमाउंट में हमारे पास जो मसला है वो यहाँ पर अमाउंट वहाँ से नहीं आई होगी यहाँ पे, ठीक है। चेकआउट एक मिनट क्या देख लेते हैं, इको चेकआउट वाले पेज से आपके पास डेटा
नहीं आया। ठीक है, अब नीचे यही जाएगा, आपको तीनों वेरिएबल को करके दिखाएगा। देखो आपकी कार्ड क्या है, खाली हो गई, क्योंकि हमने इसे अनसेट कर दिया था। ठीक है ना, तो अब तो समझ आती है ना ये सब चीज़ें। अगर इसे अनसेट ना करें तो क्या होगा, मीन्स वही सेट करवाने वाला पुराना ही दिखा कर देगा। फिर आप ये हटाओगे तो और आएगा। ठीक है, सबमिट किया और 500 आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है। ठीक है, और कन्फर्म क्या आ रहा है, सिर्फ एड्रेस आ रहा है। ठीक हो गया जी, फाइंड करो क्या मसला हो सकता है। अगर होता तो डेटा यहाँ पे आ जाता ना, हमारे यहाँ से भी मिस्टेक है। टोटल टोटल अमाउंट फाइनल। अच्छा जी बोलो, इको नहीं कराया ना। ठीक हो गया, ऐसे दोबारा ट्राई करते हैं। अब क्या कहता है, फाइंड सेव रिफ्रेश, आया नहीं आया, यहाँ से जो भेजोगे तो आएगा ना, और रिफ्रेश करोगे तो आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्या आया, वन क्वालिटी है और 5 टोटल प्राइस, सही जा रहे हैं। तो इस तरह आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को, डिबगिंग, कि अपने मसले आप इस तरह हल करोगे कि इसके अंदर से क्या मिस्टेक आएंगी। ठीक है, और एज ए डेवलपर आप इसमें देखिए दो दो डेटा डाल के देखोगे, अच्छा बिना हो गया एक डाल दिया जो ज़्यादा टोल नंबर बेकार कहीं नहीं, दो तीन आपके डेटा को ट्राई करना, मुख्तलिफ एंगल से डाल के देखना। वापस गए, फाइल रिफ्रेश कर दी और यहाँ पे आ गए, कोई और ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं और इसको हमने ऐड कर दिया, दो हो गए। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दो कर देते हैं, फिर हम लोग तीन कर देते हैं और वेट कर देते हैं 1360। सबमिट किया, कंफर्म है। ठीक है, और इसको हमने ये कर दिया कंफर्म मॉडल, क्या कहते हैं, थैंक यू। यहाँ पे आओ, अब बेटा आया है, यूजर की आई डी क्या आई है, वन, अमाउंट क्या आई है, ये 3 और 2 5, कंप्लीट वेट अवर डन, सब उसके बाद आ गया। ठीक है, अब हमने दूसरे टेबल में जाना है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहा है। ठीक है ना, अब क्या जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर टेबल पे, यहाँ पे सही आया है, प्राइस नहीं आई, टोटल प्राइस नहीं आई, यूजर की आई डी आई है, ऑर्डर आई डी आई है 2 2। ठीक है, इसकी बात हो रही है 2 वाले की। ठीक है, 5 और 6 आया है आइडेंट प्रोडक्ट की आई डी, लेकिन प्राइस और टोटल प्राइस नहीं आई, ऐसा ही है प्राइस और टोटल प्राइस। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा टेबल है, ये प्राइस और टोटल प्राइस, प्राइस और माय प्रोडक्ट टोटल प्राइस, हाँ प्रो प्राइस जी है ना, टोटल प्राइस है ना, प्राइस और टोटल प्राइस, प्राइस मतलब एक की। ठीक है, तो प्राइस एक की। ठीक है, प्रो प्राइस की बात कर रहा हूँ, क्वान्टिटी से जो मिलता है ये है ना, प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये करना है कि सिलेक्ट है फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आई डी इक्वल टू पी आई डी, और इसको देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्राइस आ रही है कि नहीं, सिर्फ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए आपको सब 0 0 मिल रहा है। ठीक है, तो आते हैं वहाँ पे जी, ठीक हो गया। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं कुछ आ रहा, फाइल वापस। ठीक है, देखो ये रीसेट कर दिया अपने लिए, तो अब कोई भी डेटा नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं इसको खरीद लिया और इधर आ गए और इसको ये कर दिया और ये कर दिया, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो हमें यहाँ पे कोई मसला है। फाइल सेव और रिफ्रेश, सेलेक्ट आई डी फ्रॉम प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू 5, प्रोडक्ट में हमारे पास आई डी 5 है, प्रोडक्ट में आई डी 5 मौजूद है। ठीक है, प्राइस भी इसकी अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर अब हमें इसको चाहिए कि हमें क्या देगा। अच्छा जी, बताओ क्या मसला है यहाँ पे, शाबाश, इसलिए ऊपर जोर से कह रहा है, मैं शाबाश भी देता हूँ, मुझे क्यों डरते हो आप, समझ आई, नहीं रे, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, बस क्यूरी में आ गया तो यहाँ जरूरत आपको नहीं है बाकी। ठीक है, फाइल से रिफ्रेश आ गई, अब आपका काम क्लियर होगा। आप समझ आई हर काम, कि ये प्रो यहाँ पे आ जाएगा, क्वांटिटी टोटल प्राइस आपकी चलती रहेगी।
ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये डेटा क्लियर कर देते हैं कि आपको पता लगे कि रिफ्रेश डेटा कौन सा है, कस्टमर आर्डर और ये आर्डर डिटेल। यहाँ पे गए और ट्रंकेट कर दिया, सबमिट किया, यहाँ पे गए सबमिट किया, ट्रंकेट कर दिया और ट्रंकेट ही जी ये हो गया, ठीक है। नो डेटा, नो डेटा। अब यहाँ पे आए सबमिट रिफ्रेश, क्या कहता है थैंक यू। यहाँ पे आते हैं कस्टमर आया 1500 एक क्वालिटी मंगाई है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इस डेट को किया है और ये एड्रेस इस एड्रेस पर मंगाया है, उसके बाद डिटेल 300 मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर भी कुछ शक हो एक और दफा इसमें डेटा पर डाल दो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे गए, मैं इसको ये कर दिया और यहाँ पे इसको कुछ और मिल जाते हैं, ठीक है, इसको ले आए और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, सबमिट किया, ये सब चल रहा है। यहाँ पे चेक किया कि हमें पता लगे वहाँ के इतना डेटा आया, कंफर्म किया, हो गया, ठीक है, सेव। 1440 कंप्लीट, चार आइटम वॉट एवर, ठीक है। अब ये चार कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है, दो और दो चार हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाइड बाई ये तो ये आता है, ठीक है। प्राइस कितनी है 450, क्वालिटी कितनी है और एक मंगाई है, बस ये आ गया, ये कितनी है मल्टीप्लाइड बाई 3 = समझ आ रही है। तो ये था आपका यहाँ तक का काम कि हमने किसी फ्रंट एंड से किसी आर्डर को हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, और यहाँ की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, प्रोजेक्ट तो ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इस पर रिसीव करेंगे आर्डर को, ये तो डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना, ये तो डेटाबेस में, तो यहाँ पे आकर आर्डर तो नहीं लिखिएगा ना, आपने यहाँ पे रिसीव करना है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा, नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस ऑर्डर को रिसीव करेंगे कि कोई एडमिन पैनल जो इसका ऑर्डर है वो इस एडमिन पैनल में इस ऑर्डर को कैसे देखता है और कैसे इसको डिलीवर करेगा, समझ आइए। और डिलीवर करने के बाद भी जो हमारे पास उसका ऑप्शन होगा कि डिलीवर हो चुके तो वो बीच में नज़र आएगा, ठीक हो गया, सब कुछ इसमें आएगा, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेगा, कोई मसला हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।